अब ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल थ्री है ये, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 पे। बट इसमें क्या डिजिट चेंज हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू क्या है, कॉर्ड है ऑफ लेंथ 16, मतलब पी क्यू की लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर दिया है, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10, इसका रेडियस है ओ मान लो सेंटर है, तो ओ पी या ओ क्यू दिया है 10, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी और क्यू पर टेंजेंट दिया है एट पॉइंट टी, टी से टेंजेंट की दिया है टी पी और टी क्यू, तो टी पी की लेंथ बतानी है, टी पी और टी क्यू दोनों सेम आएगी तो इसकी एक लेंथ बतानी है कि टी पी की लेंथ कितनी होगी। आई बात समझ में? अब देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है कि आप देखो ये क्या है कि ये जो आपका बाइसेक्टर होता है, ये जो आपका दिया है, ये सेंटर जो है ओ से, और ये टी ओ टी जो है इसको, ये कॉर्ड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है जो ये लेंथ जो होती है ना आपकी, ये टेंजेंट का जो ये परपेंडिकुलर, ये जो आपके टी क्यू जो है, सॉरी टी ओ जो है पी क्यू को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और भी क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। ओ टी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, पी क्यू के क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पी आर इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 16 है, पी क्यू कितना है 16/2 इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर यहाँ से, और ये ओ पी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, ओ आर निकाल सकते हो, तो ओ आर क्या होगा, ये हमको फाइंड करना, तो इन लेने का राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ आर पी, ओ आर पी, ओ आर पी में क्या हो जाएगा आपका, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये किससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ लिख लेना पी टी, आप लोग पूरा लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या आएगा, ओ आर निकालोगे तो ओ पी कितना है 10 का स्क्वायर माइनस पी आर कितना है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, ये आ गया 36, तो ओ आर की वैल्यू आ जाएगी रूट 36, ये आ गए 6, ओ आर की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ये डिस्टेंस यहाँ से 6 आ गई है। अब देखो इसमें क्या करना है, हमको टी पी निकालना होता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसको ट्रिगो से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस एंगल को यदि हम अल्फा मानते हैं या थीटा ले लेते हैं, ये एंगल कौन सा आर ओ पी, तो ये आर ओ पी आपका थीटा होगा, तो टी ओ पी भी थीटा हो जाएगा, यहां से ले लेते हैं, लेट एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल टी ओ पी इक्वल टू थीटा, देखो दोनों से चाहे इस एंगल मिलो आर ओ पी लो चाहे टी ओ पी लो, दोनों में क्या एंगल क्या है, थीटा ही होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको। अब देखो ये वाला जो ट्रेंगल बना है इसमें ये जो एंगल है, तो इसमें हम यदि टैन लेते हैं किस में, इस वाले में आर ओ पी में, तो इस एंगल का टैन के लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बेस होगा, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, इन ट्रेंगल आर ओ पी राइट ट्रेंगल लिख लो, इन राइट ट्रेंगल आर ओ पी में हो जाएगा टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/6, 8/6 हो जाएगा 4/3, तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 4/3, इसको बन ले लो। अब देखो हमको टी पी निकालना है, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओ पी जो होता है, जो रेडियस होता है और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ओ पी जो है परपेंडिकुलर कहाँ पे है, ओ पी परपेंडिकुलर है टी पी पे, क्योंकि यहाँ लिख लेना रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। अब लेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ पी टी, ओ पी टी, अब देखो इस ओ पी टी में लोगे तो ये राइट एंगल है
ये एंगल है, तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड है, एंगल के ये सामने वाली साइड है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, मतलब ये टीपी हमको निकालना है, ये हो गया परपेंडिकुलर। देखो एंगल के सामने इस वाले ट्रायंगल में नहीं आ रहा था, यहाँ अलग से बना लो, यहाँ पे ऐसे ही एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। ये निकालना है और ये आपको टेन दिया है, तो यहाँ से क्या जाएगा, टेन थीटा, यहाँ से भी उसमें भी हम फिर टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारा, टी पी अपान कितना हो जाएगा, टेन। फिर से देखो ये जो आएगा टेन थीटा, इसको लेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, टी पी अपान कितना होगा, टेन। अब ये दोनों, ये आपका यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टेन थीटा कितना होगा, फोर बाई थ्री इक्वल टू टी पी अपान कितना हो गया, टेन। यहाँ क्या लिख देंगे, यूजिंग वन। अब यहाँ से टी पी कितना हो जाएगा, 40/3। टी पी कितना हो जाएगा, 40/3। ये कहाँ लिख दें, यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टी पी इक्वल टू, या थ्री टी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री टी पी इक्वल टू फोर इंटू टेन, तो टी पी इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करना था, निकालना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी पी इक्वल टू हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। ये आपका क्या था, आंसर आ गया।